एमसीडी चुनाव में वार पलटवार, कौन होगा दिल्ली का हकदार, बीजेपी लगा रही है आप पर आरोप, सत्येंद्र जैन के बाद जोगिंदर सिंह को बनाया निशाना। दरअसल एमसीडी चुनाव को लेकर आप और बीजेपी की चुनावी जंग जारी है। वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप भी थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन सत्येंद्र जैन का कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता ही रहता है और अब तो आपके एक और कार्यकर्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। जी हाँ, इस बार सत्येंद्र जैन नहीं बल्कि आप कार्यकर्ता जोगेंद्र सिंह उर्फ बंटी हैं। अब जरा इस वीडियो को देखिए कि कैसे वीडियो में जोगेंद्र सिंह तमंचे पर डिस्को करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, नशे की हालत में जोगेंद्र सिंह वीडियो में लड़खड़ा भी रहे हैं। दरअसल ये वीडियो खुद बीजेपी प्रमुख शहजाद पूनावाला ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और बताया कि ये सीएम केजरीवाल के वार्ड नंबर 19 के प्रत्याशी हैं। शहजाद पूनावाला यही नहीं रुके, आगे उन्होंने क्या क्या कहा इस वीडियो में सुनिए। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पार्षद, देखिए केजरीवाल के प्रत्याशी पार्षद किस प्रकार से रिवॉल्वर डांस करते नजर आ रहे। ये वार्ड नंबर 19 के प्रत्याशी है जोगिंदर बंटी, जो केवल शराब के नशे में नहीं सत्ता और अहंकार के नशे में भी धुत दिखाई दे रहे हैं। और अगर यही प्रत्याशी है, सोचिए इनके मंत्री कैसे होंगे। मंत्री तिहाड़ में वसूली करते हैं, वीवीआईपी मालिश चाइल्ड रेपिस्ट से लेते हैं, नवाबी पकवान खाते हैं, दरबार सजाते हैं और केजरीवाल जी उन्हें बचाते हैं। सोचे मंत्री ऐसे होंगे, पार्षद और प्रत्याशी ऐसे होंगे तो मुख्यमंत्री कैसे होंगे। वो इन सबको कट्टर ईमानदार कहते हैं। वो कहते हैं ये सभी लोग भारत रत्न पाने के उम्मीदवार हैं, यही असली चेहरा है आम आदमी पार्टी का। क्या अरविंद केजरीवाल इस प्रत्याशी पर कार्रवाई करेंगे या इसको भी कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट थमा देंगे।